हे गाइस, मैं पावनी मिश्रा जनरल क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसको ज़्यादातर लोगों को लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। हम मुगल वंश तो लर्न कर लेते हैं, बट ये जो हमारा साउथ के साम्राज्य या वंश हो जाते हैं ना, लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इनसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है हरिहर एवं बुक्का, और ये हुई थी 1336 में। बट इसमें क्या था गाइस, 1336 में स्थापना तो हो गई थी, बट इस पर जो गद्दी पर बैठे थे हमारे हरिहर फर्स्ट, ये बैठे थे 1347 में आई थिंक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो ये था हरिहर फर्स्ट, यही बैठे थे गद्दी पर 1347 में आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा है? तो ये तुंगभद्रा। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के स्थापित वंशों का क्रम? तो चार वंश होते थे, संगम, सालुक, तुलुब और अरावीडु। तो नेक्स्ट देखते हैं, हरिहर एवं बुक्का पहले किस वंश के सामंत थे? सो गाइस, इन्होंने जो इस राज्य की स्थापना करी, इससे पहले ये कहीं जॉब किया करते थे, और वो किस वंश में किया करते थे? सामंत की जॉब हुआ करती थी उस टाइम में, तो वो थी काकतीय वंश। किसकी? काकतीय वंश। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये थी हम्पी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सालुब वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये था सालुब नरसिंह। और इसके नेक्स्ट देख लेते हैं, तुलुब वंश के संस्थापक? तो ये थे वीर नरसिंह। और जो हमारा लास्ट वंश बचता है, फोर्थ वन, और ये था अरावीडु वंश के संस्थापक, तो ये थे राम राय। और गाइस, एक क्वेश्चन और है कि ये जो संगम वंश है ना, तो ये जो हरिहर एवं बुक्का थे, ये संगम वंश से ही रिलेटेड थे, मतलब ये संगम वंश के ही थे। नेक्स्ट देखते हैं, अभिनव भोज, आंध्र भोज, यवन राज, स्थापना चार आदि किसके नाम थे? तो ये कृष्णदेव राय के थे, और ये तुलु वंश से बिलोंग करते थे। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे। अभी देखिए क्वेश्चन आएंगे, किसने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा बताया था? यहाँ पर होगा बताया था, मतलब उस टाइम देख लेते हैं, बाबर ने, किसने बताया था? बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसमें भारत में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा है वो बताया था कि वो हैं हमारे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट देखते हैं, किसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर बनाए? तो ये भी कृष्णदेव राय ने बनवाए थे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये होता 1565 में। और ये क्वेश्चन में पेपर ऐसे करके आता है कि या तो 24 आएगा या 26 जनवरी 1565 आएगा, बट हुआ यूँ था कि 24th में स्टार्ट हुआ था, मतलब, और 26 को लड़ाई होना स्टार्ट हुई थी, यहाँ से सेना आमने सामने आ गई थी, मतलब, ठीक है। और ये हुआ किनके किनके बीच था? बीजापुर, अहमदनगर, और ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य के और इन चारों साम्राज्य के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, तालीकोटा युद्ध में किसने संयुक्त सेना का नेतृत्व किया था? तो ये किया था आदिल शाह ने। और तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था हमारे राम राय ने। और ये राम राय किस वंश के वो थे? तो ये थे हमारे आई थिंक अरावीडु वंश के संस्थापक थे। ओके गाइस, सो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस लाइक करिएगा और